सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर के इलाके तीरा में ऑपरेशन, कमांडर समेत 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक कमांडर किफायत उर्फ तूर अदनान शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस था। साथियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। आतक जेल में सार्फर केस की समाअत, अदालत ने चेयरमैन PTI के जुडिशियल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसी कर दी। फातिमा कत्ल केस, मफरूर मुलजिमा हिना शाह ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। विमेन थाने मुंतकिल, रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। नाकस इंजेक्शन से बिनाई जाने के वाकयात, पंजाब हुकूमत ने तहकीकात का दायरा बढ़ा दिया। सर्जन्स के भी मुआयने का फैसला कर लिया गया। मामले पर नई 10 रुकनी तहकीकती कमेटी कायम। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम सरबराह मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब को 7 रोज में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। बिनाई छीने वाला जहर शहर शहर फैलने लगा। मुतासरीन की तादाद 68 तक जा पहुंची। सब कुछ इंतजामिया की नाक के नीचे हुआ, किसी ने एक्शन ना लिया। अवेस्टन डायबिटीज के लिए मंजूर नहीं था। लाहौर में रीपैक होकर मार्केट में सप्लाई होता रहा, ड्रैप ने इतराफ कर लिया। समा की खबर पर पैकिंग कंपनी पर छापा, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। हुकूमत ने इंजेक्शन की फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। निगरान वजीर आला पंजाब का जिम्मेदारों को जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म। फैसलाबाद में जाली दवाओं की भरमार, मिलते जुलते नामों की अद्वियात ने मरीजों को मुश्किल में डाल दिया। एक्टिव सॉल्ट की कमी, मुजर सेहत अज्जा का इस्तेमाल, मरीज ठीक होने के बजाय दीगर बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। मेडिसिन एक्सपर्ट कहते हैं जाली दवाओं की फरोख रैप की नाहली है। FIR और ड्रग इंस्पेक्टर्स भरपूर कार्रवाई करें। सिंध और पंजाब के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ भरपूर एक्शन। 5 माह में 14 खतरनाक डाकू हलाक, 33 को गिरफ्तार किया गया। रहीम यार खान का 36,500 और राजनपुर का 30,000 एकड़ रकबा क्लियर। 5,000 एकड़ रकबे पर कार्रवाइयां जारी। सिंध के कच्चे में डाकुओं के गिर्द घेरा तंग। सखर, घोटकी, कंधकोट और कश्मोर में कार्रवाइयां, बिजली मुनकता, दाखिली और खारजी रास्ते सील। कनाडा में खालिस्तान के रहनुमा हरदीप सिंह का कत्ल। टोरंटो में सिख बरादरी का भारतीय सिफारती मिशन के बाहर शदीद एहतजाज, मोदी के खिलाफ नारे, भारतीय तिरंगा भी नजरे आतिश। भारत ने कनाडा की खुद मुख्तारी पर हमला किया, भारतीय सिफारतखाना बंद किया जाए, मुजाहरीन का मुतालबा। और भारत के ताखीरी हरबे नाकाम, ICC से शिकायत काम कर गई। क्रिकेट की आलमी जंग के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भारतीय वीजे जारी। शाहीन कल भारत के लिए उड़ान भरेंगे।